तो चलिए दोस्तों, इसके लिए जो मिट्टी चूज करते हैं हम, उसके लिए भी इतना ध्यान देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो हमारे यहाँ जो मिट्टी मिलती है वो उसको पहचानना और इस्तेमाल करना, वो अगर आप जान सकते हैं तो अच्छी बात है दोस्तों। तो एकदम जो काली मिट्टी आती है, हमेशा कहीं भी हो सकती है, तो ऐसी काली मिट्टी दोस्तों, इस तरह की, इससे भी काली हो सकती है, यहाँ जो अवेलेबल है उसी से काम चला रहा हूँ मैं, जिसमें बहुत ही जल्दी क्रैक्स आ जाते हैं। जैसे पानी सूखेगा, बारिश चला जाएगा, तो दो दो तीन तीन चार चार इंच का क्रैक आ जाता है ज़मीन में। ऐसी मिट्टी हमारे लिए काम की नहीं है, वो थोड़ी चिकनी भी होती है, जल्दी टूटती भी नहीं, ये तो थोड़ी अच्छी भी है, पर इतनी कड़क होती है कि उसे हम तोड़ भी नहीं पाते। तो ऐसी मिट्टी हमारे लिए काम की है नहीं। तो काम की कौन सी है, तो उसे कहते हैं हम गार्डन सॉइल, यही नाम से जानते हैं सब लोग। और उसी में होता है इस तरह की, आप देख सकते हैं, कलरफुल मिट्टी कह सकते हैं। इतनी कलरफुल है नहीं, पर यहाँ सनरेज की वजह से ज़्यादा ब्राइट लग रही है दोस्तों। तो इस तरह की अगर रेड सॉइल, पूरी तरह रेड नहीं कह सकते, पर ऐसी सॉइल मिल जाती है जिसको हम इस तरह करेंगे तो इस तरह से चूरा जल्दी से हो जाता है दोस्तों। ये इस ज़मीन में ज़्यादा क्रैक नहीं आते, क्रैक तभी दिखेंगे जब बहुत ही फाइन मिट्टी गड्ढे में जमा होती है और पानी सूख जाता है तो कुछ क्रैक आएगा। पर इस तरह की जो मिट्टी है ये बढ़िया से बढ़िया होती है, थोड़े बहुत कंगर हो सकते हैं छोटे छोटे, नहीं तो ये इस तरह की मिट्टी होती है जो एकदम बढ़िया होती है दोस्तों। ये एकदम चिकनी नहीं हो जाती, अगर गीली होती है तो अपने हाथों में भी लगेगी, पर सूखने के बाद इस तरह से फिर से भुरभुरी हो जाती है दोस्तों। तो ये मिट्टी अच्छी होती है, और हमारे गाँव में जो मिलती है वो मिट्टी है बालू की तरह होती है, अभी ये पानी मिला हुआ है इसलिए ऐसी है, पर ये भी बहुत ही इजीली टूट जाती है दोस्तों। अपने हाथ गंदे नहीं होते इसी गीली मिट्टी से, इतना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पानी है तो वो तो मिट्टी का तो गुण ही है, हमसे मिट्टी तो हो ही जाएगी हमारे मटमेले हाथ, पर जब जो मिट्टी चूरा हो सकती है यानी भुरभुरी है, अगर सूखने के बाद एकदम ये भूपूरी हो जाएगी तो ऐसी सॉइल बहुत ही बढ़िया है। ये सॉइल दोस्तों देखिए किस तरह से चूरा हो गई है। अब कहाँ मिलेगी ये मिट्टी, तो हमारे गांव में या कहीं आप जहाँ भी रहते हो उस एरिया में दोस्तों बहुत ही जल्दी, यानी मेरे गांव में ही चार पांच टाइप की मिट्टी में लाके रख सकता हूँ। नदी के किनारे जाएंगे, वहाँ कांप वाली मिट्टी होगी, रेत वाली भी हो जाएगी, अगर उसका टीला चढ़ेंगे तो उसके, मैंने वीडियो भी बनाया था, बहुत ही भुरभुरी ऐसी मिट्टी मिलती है जिसमें एक भी कंकर नहीं रहता दोस्तों। फिर आएंगे उसके अगल में ही तो एकदम से कंकर वाली, जिसे ग्रावल भी कहते हैं, वो ऐसी मिट्टी आ जाती है। दूसरे ओर जाएंगे, दो चार किलोमीटर चलेंगे तो इस तरह की हमारे घर के नज़दीकी है तो वहाँ भी ऐसी मिट्टी मिल जाती है मुझे, और खेतों में जाऊँगा तो वहाँ काली मिट्टी मिलती है। तो इस तरह से एक ही गांव में कई सारी मिट्टी मिल सकती है, या हमें कहीं रिमोट एरिया में जाके ऐसे ढूंढना है, अगर इस तरह की मिट्टी मिल जाती है तो आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा दोस्तों। कुछ खेतों के एरिया में जाएंगे तो आप लोगों को इससे भी बढ़िया और लाल मिट्टी मिल सकती है। तो इस तरह से थोड़ी कोशिश करनी होगी दोस्तों, तब कहीं जाके हमें अच्छी मिट्टी मिल पाएगी, घर बैठे कुछ नहीं होगा। अगर हमारे यहाँ इस तरह की काली मिट्टी ही है तो आपको ढूंढना होगा, बहुत ही जल्दी मिट्टी चेंज होती है ज़मीन के अंदर, जैसे कि मैंने कहा मेरे गांव में ही चार पांच टाइप की मिट्टी मिल जाएगी। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है मिट्टी के बारे में जानने तो क्या करना होगा, जो ग्राम सेवक होता है हमारे यहाँ, तो ग्राम सेवक होता है जो फार्मर लोगों को कुछ ऑफर जो आती है गवर्नमेंट की वजह से वो सब समझाता है, तो उसके ऑफिस में होता क्या है दोस्तों कि वहाँ एक एक गांव का पूरा नक्शा बना होता है ज़मीन का, कि उस गांव में किस टाइप की ज़मीन है और कहाँ
कौन सा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो ज़्यादा पाया जाता है या किस जगह पे कैसा न्यूट्रिएंट पाया जाएगा, तो आप लोगों को वो जाके पढ़ना है। अगर आपको समझ में आता है सर्वे नंबर तो उस जगह पे जाके, या आप इधर उधर ढूंढ के मिट्टी का आप सिलेक्शन कर सकते हो, नहीं तो अलग अलग गांव से लाके आप मिट्टी भी कलेक्ट कर सकते हो। एक एक बैग चाहिए एक सीजन में, कुछ 3-4 बैग हो गई तो आपके लिए इनफ है कुछ पौधों के लिए। तो ये सब करना होता है दोस्तों। तो आखिर मिट्टी सोइल मिक्स बनाने के बाद कैसी होनी चाहिए वो भी देख, यहाँ मैंने पानी नहीं दिया है तो उसमें देखते हैं कैसी है अभी मिट्टी। ये सापुतारा से लाया था मैं कोरल ट्री, देखिए इस तरह का टेक्सचर बनना चाहिए दोस्तों। ये देखिए जैसे ही निकालेंगे इस तरह से हो जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ रेत भी नर्मदा की हमारे यहाँ मिलती है इस तरह की, वो तो दूर है पर यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट से मिल जाती है। तो ऐसी रेत में जो बड़ी बड़ी साइज़ की होगी, यानी 3 mm से या 2 mm से थोड़ी मोटी या 5 mm से कम ऐसी जो मिट्टी होती है ग्रेवल की, सॉरी रेत होती है, वो इस्तेमाल करनी है हमें। जो इस तरह की काली जो रेत होती है वो इस्तेमाल नहीं करनी है दोस्तों। यहाँ 1-2 कंकर पड़े हैं दिखा रहा है, इस तरह की जो काली जो आती है रेत वो इस्तेमाल नहीं करनी है, उससे अच्छे से बाइंड हो जाती है मिट्टी, वो हमारे काम की नहीं है। तो इस तरह से हमारे सॉइल का टेक्सचर इस तरह का बनना चाहिए दोस्तों, इस तरह से अलग होना चाहिए। और पानी देते ही पानी नीचे चला जाता है, उसके लिए सॉइल मिक्स कैसे बनाना है वो तो वीडियो अवेलेबल है, लिंक में भी दे दूंगा, एक बार जरूर जाके देख ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप कि वीडियो पसंद आया हो दोस्तों।